Gleason, number 26, in excellent working condition. This machine has double cam. The machine is complete with a total number of 79 change gears. There are total of 40 cradle roll gears and 39 ratio roll gears. It is also complete with two spare cutter bodies, 12 inch cutter bodies. There is no noise in the working of the machine. This is the job clamping. It is hydraulic. Index gear. Index gears. This is to adjust the depth. Depth of the gear. This is a double cam machine. It has two cams, one for roughing as well as for finishing. Double path machine. Cradle roll gears. Ratio. And these are the ratio roll gears. Index. Feed and speed gears. This is number 26 spiral generator. Working of the machine in generation mode. अभी हम पूरा इसका ऑटो साइकिल वाला जो वर्किंग है वो शो करेंगे, ठीक है? एक बार इसका रैपिड ट्रैवल दिखा दो, आगे पीछे जो चलता है, ठीक है? वापस पीछे ले आओ। ये सेटिंग के लिए काम आता है, जॉब के चेंज करने के लिए, जॉब चेंज करने, ठीक है जी? ले आओ, पीछे ले आओ। अब यहाँ जॉब चेंज, ठीक है? अब जॉब चेंज करते हैं। इसका जो हाइड्रोलिक क्लैंपिंग है वो दिखा दो, ठीक है? ये छूट गया, पीछे से दिखा देते हैं हम, ठीक है जी? करना एक बार, ठीक है? फिर से एक बार और, ठीक है? फिर से कर दो, ठीक है जी? ठीक है, जॉब क्लैंप कर दिया। इसमें ये लिमिट लगी है सेफ्टी के लिए, ठीक है? जॉब क्लैंप करके अभी जो हमने सेटिंग कर रखी है वो 9 गियर्स के हिसाब से करी हुई है, 9 टीथ के हिसाब से। हमने जो इंडेक्स गियर डाले हुए हैं वो भी 9 के हिसाब से हैं, एंड जो काउंटर है दैट इज ऑल्सो वो 9 पे ही सेट है, काउंटर भी, ठीक है? आप पूरी मशीन को ऑन कर दो जी, एडवांस, ठीक है? एडवांस दिखा दो पहले, ठीक है? स्टार्ट, हाँ स्टार्ट कर दो, ठीक है? अप्रोल हो रहा है जी,
अभी अभी होगा ठीक है। अब स्टार्ट पोजीशन आ गया, अब ये स्टार्ट पोजीशन आ गई, अब ये मशीन स्टार्ट हो गई है। अपरोल कटिंग, अभी अपरोल हो रहा है, अपरोल में कटिंग होती है, क्रेडल अपरोल में चल रहा है, कटिंग हो रही है, कटर रोटेट कर रहा है, क्रेडल अपरोल में रोटेट कर रहा है, एंड कटिंग के लिए जॉब भी उसी हिसाब से, वर्क स्पिंडल इज ऑल्सो रोटेटिंग। ठीक है, ठीक है, अभी ये अपरोल हो रहा है, अब जैसे ही ये डाउन रोल में जाएगा पूरी स्लाइड अपने आप पीछे आएगी, इंडेक्स होएगा और नेक्स्ट टीथ की कटिंग होगी। ठीक है, ये डाउन रोल चला, स्लाइड पीछे आई, ठीक है, ये इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग हो गई, ठीक है, स्लाइड फिर से आगे चली गई है, ठीक है, एंड फिर से अपरोल हो गया, नेक्स्ट टीथ की कटिंग अब स्टार्ट हो गई है ना। ये वर्क स्पिंडल रोटेट होता हुआ देख सकते हैं हम, इंडेक्स गियर अभी जैसे वो अप रोल से डाउन रोल स्टार्ट होगा उनकी इंडेक्सिंग भी वी कैन सी, ठीक है, रिवर्स हो गया इंडेक्स, ये पहले अभी रिवर्स हो गया, ठीक है, ये अब इंडेक्सिंग हो गई, ठीक है, हमने गियर भी 9 टीथ के हिसाब से जैसे जो जॉब अभी लगा हुआ भी है गियर भी उसी हिसाब से 9 टीथ के हिसाब से डाले हुए हैं। ये जो है ना अभी जनरेशन मोड में चल रही थी, अभी हम फॉरेंट मोड के जहाँ डालने के लिए क्रेडल को रोक रहे हैं, ठीक है, वी आर नाउ रिमूविंग द क्रेडल रोल गियर and we will also change the setting of this machine. ये डबल पाथ कैम है, तो अभी पहले जनरेशन रोल में चल रही थी, जनरेशन पाथ था, अभी जो है दूसरा पाथ जो है फॉर्मेट कटिंग का पाथ लगाएंगे, तो रोलर जो है सेकेंड वाला रोलर लगेगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ डबल कैम मशीन वी आर शोइंग द वर्किंग इन बोथ बोथ दी पार्ट्स, बोथ ऑफ मोड, पहले जो मोड दिखाया था अभी मोड चेंज कर रहे हैं, कर दो जी मोड चेंज कर दो, ठीक है, टाइट कर दो, मोड टाइट कर दो, इन दी फर्स्ट फेज वी हैड शोन दी जनरेशन मोड, नाउ वी आर शोइंग दी फॉर्मेट मोड, ठीक है जी, कर दो इसे, चला दो, पहले आगे ले जाओ रैपिड में, ठीक है, अभी ये फॉर्मेट मोड में मशीन चल रहा है, प्लंज कटिंग, क्योंकि ये फॉर्मेट मोड में चल रहा है तो अभी क्रेडल रोटेट नहीं कर रहा है, एंड वर्क स्पिंडल भी स्टेशनरी है, वर्क स्पिंडल भी अभी रोटेट नहीं कर रहा है, फॉर्मेट मोड में जो कटिंग होती है वो सॉर्ट ऑफ प्लंज टाइप कटिंग होती है, अभी धीरे धीरे ये पूरा आगे जा रहा है, प्लंज फीड चल रहा है, प्लंज फीड,
और मैट मोड में कटिंग हो रही है अभी। जितनी डेप्थ हमने सेट करी है उतनी डेप्थ तक ये कट लगेगा। कट लगने के बाद अपने आप रैपिड में ये पीछे आएगा एंड फिर इंडेक्सिंग होगी। ठीक है, अभी ये रैपिड में पीछे आने लग गया। ठीक है, ये पीछे आया तो अभी इसकी जो अलग से टीथ की है उसकी इंडेक्सिंग होगी। ठीक है, ये इंडेक्सिंग हो रही है। चार स्टेप में इंडेक्सिंग होती है, चारों के चारों स्टेप चल गए हैं। अब ये फिर से आगे जाना लग गया है नेक्स्ट टीथ की कटिंग के लिए। फिर से इसमें प्लंज फील चल गया है। ठीक है, अभी क्योंकि ये फॉर्मेट मोड में चल रहा है इसलिए गियर्स भी स्टेशनरी है। जब इसका एक कट पूरा हो जाएगा उसके बाद इंडेक्सिंग होगी, तभी ये गियर्स रोटेट करेंगे। अभी ये पीछे आ रही है, अभी इसका वो होएगा, अभी इंडेक्सिंग होगा। फोर स्टेप में इंडेक्सिंग होता है एंड चार बार ये गियर रोटेट होके टीथ के नंबर ऑफ टीथ के हिसाब से ही ये गियर लगते हैं एंड ये इंडेक्सिंग हो गई है। अब ऑटोमेटिकली मशीन रुक गई। मशीन हैज स्टॉप्ड एंड नाउ द मशीन इज रेडी फॉर द नेक्स्ट जॉब। मशीन हैज स्टॉप्ड, द कैम हैज स्टॉप्ड रोटेटिंग इनिशियल पोजीशन। इट हैज रीच्ड बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन ऑफ 9 teeth एंड नाउ द मशीन विल वर्क ऑन इट्स नेक्स्ट जॉब। द मशीन इज इन ओवरऑल वेरी गुड कंडीशन। इट इज कंप्लीट विद अ टोटल ऑफ 79 चेंज गियर्स। टोटल ऑफ 3 cutter bodies आर अवेलेबल, 2 spares एंड 1 already इंस्टॉल्ड ऑन द मशीन। मशीन इज अ डबल कैम मशीन। It works in both generation mode as well as in format mode.